हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं हाई टीआरपी शो अनुपमा की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनुपमा को अपना अतीत याद आता है कि अनुज ने कैसे उसके लिए स्ट्रगल्स किए थे और उसके लिए काफ़ी कुछ लिखा था। इधर कांता अनुपमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वो शाह से मिलने के लिए अनुपमा को फोर्स करती है। अनुपमा यहाँ ब्रेकडाउन होती है और वो हंसमुख को गले लगा लेती है। कांता ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि शाह यहाँ पर आए हैं और लीला अनुपमा के साथ में इस तरीके से फिर से बात करेगी, और नवरात्रि चल रही है और इसीलिए वो उसके लिए प्रसाद भी लाई है। अनुपमा यहाँ पर परी के साथ खेलना शुरू करती है और पाखी इस खूबसूरत मौके पर अनुपमा के हाथ में कलावा बांधती है। कांता ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि शाज उसके घर आए हैं। हसमुख कहते हैं कांता से कि हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं अनुपमा को लेकर, इसलिए हम उसे देखने के लिए आए हैं। वनराज यहाँ पर कहता है कि जो कुछ हुआ वो एक कड़वा सच था। लीला कहती है कि हाँ, और वैसे भी तुम तो इस कड़वे सच से हमेशा से दूर रही हो, और वो शाह के बिहाव पर अनुपमा से माफ़ी मांगती है। अनुपमा कांता को देखती है, हसमुख अनुपमा से कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत करो, अभी तुम्हारे सर पर तुम्हारे बड़ों का हाथ है। काव्या, किंजल, पारितोष और सब लोग अनुपमा से अपोलोजाइज करते हैं उसको कॉल ना करने के लिए। तभी अनुपमा सबको माफ़ कर देती है। कांता कहती है शाह से कि आप लोगों ने ये ड्रामा पहले भी किया है। तभी वो कहती है इस टाइम मुझे ही कुछ करना होगा। पारितोष कहता है अनुपमा से कि हमने बहुत बुरा फेस देखा है माँ। किंजल कहती है अनुपमा से कि हाँ, अनुज अब आपके बिना नहीं रह सकता और हमको ये सच पता चल गया है। लीला कहती है अनुपमा से कि ये जो घर है ये मेरा है, तुम लोगों का नहीं, और तुम यहाँ पर ना रुक सकते हो ना आ सकते हो। कांता लीला को अलर्ट कर देती है। लीला अनुपमा से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ रहोगी। काव्या, पाखी और सम्राट अनुपमा से कहते हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, अनुज को हम ढूंढेंगे और वापस लाएंगे। अनुपमा कहती है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ अनुज की सलामती की दुआ कर रही हूँ, वो जहाँ पर भी हो बस ठीक हो। पाखी डिसाइड करती है कि कैसे उसे अनुपमा के साथ रहना है। इधर दिखाया जाएगा कि वनराज आएगा और उसे माफ़ी मांगेगा। इधर कांता शाह से पूछेगी कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपने पर्सनल अपोलॉजी मांगने का प्लान बनाया है। तो वो ऐड करती है कि आपकी माफ़ी की मुझे तो समझ है नहीं, शायद अनुपमा ही समझ पाए। हसमुख और लीला पूछेंगे कांता से कि सबको बात करने दो ना। वनराज माफ़ी मांगता है अनुपमा से उसके बिहेवियर के लिए। वह अनुपमा से कहता है तो मुझे भी कभी कॉल कर सकती हो जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। पाखी सोचती है कि वनराज अभी भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। शाह यहाँ पर अनुपमा की ध्यान रखते हैं और लीला यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि मत सोचो कि हर कोई उसे पसंद करता है। कांता सोचती है कि स्पेशली लीला ही है जो वो सबको यहाँ कर लाई है। समर अनुपमा को हक करता है। समर कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपका बेटा अभी भी यहाँ है। अनुपमा से पूछता है कि आपको कुछ चाहिए। अनुपमा यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करती है अपने दिल की बात पेपर पर, तभी वो गिर जाती है। अनुज यहाँ पर अनुपमा को याद करता है। माया सोचती है कि अनुज पोएट्री राइट कर रहा है तभी, जो कि एक गुड साइन है। कांता अनुपमा को ले जाती है और सब लोग लेडीज जो हैं वो डिस्कस करती हैं अनुज और अनुपमा के बारे में। कांता को सुनाई पड़ता है कि कोई औरत कह रही होती है कि अनुज अनुपमा का रिलेशनशिप तो अब टूट चुका है। तभी वो कहती है कि ऐसी ही बात नहीं है, मेरी बेटी के बारे में फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी बेटी मेरे घर आ सकती है, उसमें क्या बुराई है। कांता भी अनुपमा को सपोर्ट करती है और वह अनुपमा के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। समर इन्फॉर्म करता है कांता को कि अनुज मुंबई में है माया के साथ। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।